गर्भवती है, मैं उसके गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दूंगा। आज महाराज उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो महाराज ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को जलाने लगा। अब महाराज उत्तरा देवी भगवान को पुकारती हैं, पुष्य ब्रह्म बाड़ी की विषम ज्वाल और भीतर ही गर्भ जलाने पुकारती है, प्रभु हे केशव हे माधव आप आकर के मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन हमारे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। अगर हमारे गर्भस्थ शिशु को कोई आंच आई तो हे प्रभु हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। आज महाराज जब भगवान को पुकारा है तो उसी समय यो कहकर भगवान ने किया उसे भी पान, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। भगवान उत्तरा के पास पहुंचे, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, एक रूप से खड़े हुए हैं। मैया कुंती देख रही है ये दृश्य। आज भगवान जब उस गर्भस्थ शिशु में प्राण डालते हैं तो भगवान पूछ रहे हैं, बेटी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? मैया उत्तरा कहती, प्रभु मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मुझे अब कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आज जब ये दृश्य मैया कुंती ने देखा तो मैया कुंती सब समझ गई, क्योंकि महाराज कहते हैं जिस प्रकार से भगवान के आगे जीव की चालाकी नहीं चलती है, वैसे ही महाराज भक्त के आगे भगवान की चालाकी नहीं चलती है। आज उत्तरा देवी समझ गई कि ये साधारण नहीं है। उत्तरा देवी हाथ जोड़ करके एकदम से कहने लगी, है केशव हे माधव मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हे जगत पिता जगदीश्वर मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसे महाराज प्रणाम किया तो एकदम से मैया कुंती को देख करके भगवान कहने लगे, देखो अरे देखो सभा के लोगों, ये बुआ जी हमें भगवान बता रही हैं, ये हमसे भगवान कहते हैं, अरे इनको बताओ मैं इनका भतीजा हूँ, मैं इनके भाई का पुत्र हूँ। कुंती मैया कहने लगी, केशव यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है, अरे किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, पर ये क्यों नहीं कहते हो कि सबके परवावा आप ही हो। आज महाराज भगवान ने कहा,
बुआ जी मैं मानता हूँ। और ये 51 मुद्राएं बाबू मास्टर जी बरौरा की तरफ से श्री ठाकुर जी की चरण कमलों में दान कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं प्रभु सदा कल्याण करते रहें, इनके हाथ दान के क्षेत्र में यूं ही आगे को बढ़ाते रहें। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज उसी समय भगवान ने कहा, मैं मानता हूं अगर तुम मुझे भगवान मानती हो, ठीक है मैं भगवान हूं, तो आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए कह रहा हूं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। आज महाराज पांचों पांडव खड़े हुए हैं, सुभद्रा खड़ी है, द्रौपदी खड़ी हैं। धर्मराज भगवान ने कहा कि सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी हमसे मांगे। बड़े भैया की बारी है। आज धर्मराज युधिष्ठिर जी आगे बढ़े और कहने लगे कि सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही वरदान दो कि जीवन में कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, मैं कभी भी अपने धर्म से अडिग न हो पाऊं, मैं कभी भी अपने धर्म से च्युत न हो जाऊं, यही वरदान दो। आज महाराज भीमसेन का नंबर आया। भीमसेन कहने लगे केशव मैं क्या मांगूं, वैसे भी संसार में हमारी बदनामी है क्या, लोग कहते हैं कि मैं बहुत खाता हूं, मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, हे केशव हर परिस्थिति में मैं बस आपका नाम लेता रहूं, आपको याद करता रहूं, उठते बैठते खाते पीते जागते चलते फिरते हर परिस्थिति में आपको याद करता रहूं। अर्जुन कहते हैं गोविंद हमारा और आपका गुरु और शिष्य का नाता है, ये गुरु और शिष्य का अटूट संबंध होता है, ये सदैव बना रहे। महाराज उत्तरा देवी ने कहा गोविंद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दो कि आपके चरण एक पिंजरा है और मेरा मन एक राजहंस है। हे गोविंद लोग बड़े प्रयास करते हैं, अंतिम समय में आपका या नाम नहीं आता है, इसलिए मेरा मन रूपी तोता आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के कैद हो जाए। आज हमारा द्रौपदी ने भी कहा गोविंद हमारा और आपका भाई बहन का रिश्ता है, सखा सखी का रिश्ता है, ये सदैव बना रहे। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती चुपचाप खड़ी है। आज उसी समय भगवान ने कहा बुआ जी सभी ने कुछ न कुछ मांगा, आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी कुछ मांगो। कुंती ने एकदम से अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और कहा गोविंद तुम देना चाहते हो तो एक वरदान दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम दुख का वरदान दो। आज महाराज जैसे ही कहा गोविंद मुझे दुख का वरदान दो, मेरे जीवन में एक दुख ना खत्म हो पाए, दूसरा दुख आ जाए। भगवान कहने लगे बुआ जी सारा जीवन तुम्हारा दुख भोगते भोगते निकल गया, अभी भी दुखों से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई है, अगर मांगा भी तो दुख मांगा, अरे ये भी कोई चीज मांगने की है, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि मुझे दुख मिले। सब भगवान से वैभव मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, कीर्ति मांगते हैं, कौन दुख मांगता है। कुंती मैया कहने लगी गोविंद जो सुख जो आनंद मुझे दुख में आता है ना, वो सुख में नहीं आता है, क्योंकि जब सुख आता है तो तुम दूर हो जाते हो। महाराज कहते हैं ना कि जब जीव पर ज्यादा सुख आ जाए ना तो समझ लेना कि अब भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए,
बलिहारी माँ दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद, ऐसे दुख को मैं बार बार अपने सिर पर धारण करना चाहती हूँ, जो मेरे गोविंद से, जो मेरे कन्हैया से मुझे मिला दे। ऐसे सुख को मैं क्या लेकर के करूँ, जो मेरे कन्हैया को मुझसे दूर कर दे। आज महाराज कुंती मैया कहती है, कन्हैया सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे।